हाँ नमस्कार, जनसंसद लेके आया है आपको जंतर मंतर पर, जो आज ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा है जिनका नाम है सुखबीर सिंह कश्यप। ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्लाह निषाद मंच, मल्लाह विकास मंच, रजिस्टर्ड है ये संस्था। इस संस्था का नाम इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी एक निषाद का संगठन जो है बीजेपी में मिला है, इसके बीच में ये रजिस्टर्ड संस्था है अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्लाह विकास मंच, इसके राष्ट्रीय महामंत्री सुखबीर सिंह कश्यप आपसे रूबरू हो रहे हैं। और रूबरू इस पर्सन से हो रहे हैं, इस मकसद से हो रहे हैं कि आज मुंडका विधानसभा की सारी जनता इनकी समाज सेवा को देख करके लोग चाहते हैं कि कश्यप जैसा नेता ही, यानी सुखबीर सिंह कश्यप जैसे लोग ही विधायक बने ताकि जनता की सेवा हो सके। उस बीच में मैं जानना चाहूँगा सुखबीर सिंह कश्यप जी से कि सर, आप वो कौन सी ऐसी सेवा कर दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मसीहा विकास के सरदार मोदी जी की सरकार के बीच में और भ्रष्टाचार के विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जैसी पार्टियों के बीच में लोग आपको लाइक कर रहे हैं, इसमें मैं क्या समझ पाऊंगा कि जनता आपको कैसे लाइक कर रही है, क्यों लाइक करे, इस बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त करें। देखिए, ऐसा है कि जो वादे चुनाव से पहले किए थे इन पार्टियों ने, उन पर ये खड़े नहीं उतर रहे हैं जनता के हित में, और इसीलिए जनता जो है हर तरह से इनसे दुखी है और त्रस्त है। और क्या है कि ये कोई भी वादे अपने उस पर अमल नहीं कर पाए हैं, चाहे आप दिल्ली को देख लीजिए या संयुक्त को देख लीजिए, और हर रोज़ तीसरे दिन दूसरे दिन नए कानून और हर तरह के रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, रोज़ इनको चेंज किया जा रहा है, तो जनता इससे बड़ी दुखी है। और यही कारण है कि हम जनता के बीच में रह के उन लोगों के जो भी काम है अपने मंच के माध्यम से या हम अपने व्यक्तिगत लोगों के माध्यम से, सामाजिक लोगों के माध्यम से उनको कराते हैं, और जनता चाहती है कि भाई अगर हम चुनाव लड़ें तो अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हम लड़ेंगे। तो जनता तो आपको चाह रही है सर, मुंडका के तमाम लोग अभी आपके साथ ही थे जो कह रहे थे कि मुंडका की जनता पूरी तरीके से चाह रही है कि सुखबीर सिंह कश्यप साहब ही चुनाव लड़ें ताकि हम गरीबों का साथ देने वाला विधायक हो, हमारे लोगों से मिलने वाले विधायक हों, जो हमारी छोटी सी छोटी समस्याओं का निवारण हो सके। तो आपका क्या लड़ना तय माना जाए? अभी तो विधानसभा चुनाव दिल्ली का थोड़ा सा दूर है, करीब 7-8 महीने दूर है, इसके तहत नहीं, हमारे लिए कुछ भी दूर नहीं है। देखिए, तैयारी पहले से होती है, किसी भी उसकी रणनीति जो है पहले से ही बनाई जाती है कि कोई भी योजना हम अपने लोगों से मिलकर, संगठन के लोगों से मिलकर बना चुके हैं और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो देखा आपने, जैसा कि सुखबीर सिंह कश्यप जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ताल ठोक चुके हैं मुंडका विधानसभा से, जहाँ ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो इन तीनों पार्टियों के बीच में एक नए विकास का चेहरा जो मुंडका के अंदर आज आया है वह सुखबीर सिंह कश्यप के नाम से ही होगा, जैसा कि वहाँ की जनता का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी, हमारे जनसंसद न्यूज़ को आपने जो अपना राय दिया और मुंडका की जनता की सेवा के लिए जो आपका समर्पण भाव है उसके लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।